आप लोग देख सकते हैं कितना बच्चा है अभी। तो सो एवरीवन, मैं शिव एंड आप देख रहे हैं किसके पुत्र ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज कुछ मतलब आप लोग जानते होंगे अभी लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि पूरे भारत पूरे इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है। तो उसकी वजह से अभी पूरा स्कूल कॉलेज और पूरे ऑल इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट का चीज़ें हैं सब लगभग बंद हो चुके हैं, स्कूल कॉलेज। तो आप लोग जानते होंगे मतलब गाँव के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं कहाँ नहीं पढ़ते हैं। तो वहीं आप लोग को दिखाने वाला कि मैंने सोचा कि चलो गांव पे स्कूल खोला जाए। तो मैंने बस अपना ही स्कूल मतलब अपना स्कूल नहीं मतलब गांव पे मतलब हम कोचिंग करते हैं बच्चे लोग को, तो कुछ उससे बात करते हैं मतलब स्कूल चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उसी के लिए बस इस ब्लॉग्स में आप लोग कंटिन्यू रहिए और बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक वेच करें। चलो कुछ बच्चे से कुछ पूछते हैं कि स्कूल बंद होने के बाद कैसा लगता है और कैसा फील होता है उन लोगों को और कितना कष्ट लगता है कि बिना स्कूल जाते हुए। तो चलो उसको पूछते हैं। आप लोग इधर देख सकते हैं बहुत सारा बच्चा है, इधर देख सकता सब कोई। हाय करो, आप लोग देख सकते हैं कितना बच्चा है अभी। तो हाय कैसे, आप लोग देख सकते हैं ये सब बच्चा अपने ही गांव का है। तो चलो इससे कुछ पूछते हैं कि पहले मतलब स्कूल जब बंद था तो उस समय कैसा लगता था। अब तो स्कूल भी बंद है लॉकडाउन की वजह से पूरे भारत में, और स्कूल कॉलेज आप लोग को मालूम होगा कि स्कूल कॉलेज पूरे भारत में बंद है। तो अभी कब चालू होगा कब नहीं चालू होगा, तो वहीं हम लोग चलो कुछ बच्चे से पूछते हैं। चलो बाबू, आपका नाम क्या है? पिताजी। कौन क्लास में पढ़ते हो? कौन से स्कूल में? गांव कहाँ है आपका? बस्तिया। और जिला? दुमका। और राज्य? और अभी मतलब जब जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तो और लॉकडाउन के बाद तुमको मतलब कैसा लगता है, मतलब तुम सब बच्चों को मतलब लॉकडाउन के बाद स्कूल सब बंद हो गया ना, तो मतलब तुम लोग को कैसा लगता है कैसा फील होता है? कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि तुम लोग स्कूल में खेलते पढ़ते सब ऐसे नहीं हो रहे। तो फ्रेंड्स, आप लोग सुन लिए कि मतलब जब पहले स्कूल जब चालू था उस समय बोलता है कि मतलब चालू था तो उस समय मतलब बच्चे एक साथ मतलब खेलते थे, मतलब कुछ पढ़ाई में मतलब फ्रेंड्स सबसे मिलावट करते थे। अभी और लॉकडाउन की वजह से अभी मतलब कुछ भी नहीं चल रहा है, अभी तो सब अपने अपने घर पे हैं और स्कूल जा नहीं पाते हैं। तो वहीं आप लोग सुन लिया होंगे। तो फ्रेंड्स चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उसको पूछते हैं। तो स्कूल मतलब आपको क्या लगता है, स्कूल चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए चालू? हाँ, स्कूल चालू होना चाहिए। हेमंत सोरेन से निवेदन है कि हम लोग का स्कूल चालू करें। फिर से बोलो, इधर देखिए। हाँ, स्कूल चालू होना चाहिए। सबको बोलो, सबको बोलो स्कूल चालू होना चाहिए। श्री हेमंत सोरेन से निवेदन है कि हम लोग का स्कूल चालू करना चाहिए। हाँ, तो फ्रेंड्स आप लोग देख लिए कि बच्चे लोग का क्या मकसद है, मतलब इस लोग बोल रहे हैं कि स्कूल चालू होना चाहिए क्योंकि लॉकडाउन अभी बहुत दिन से हो रहा है और लॉकडाउन की वजह से बच्चे लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए बच्चे लोग का अरदास है कि स्कूल चालू होना चाहिए। तो वहीं इसी वीडियो के थ्रू आप लोग को जानकारी देते हैं, अगर इस वीडियो को झारखंड सरकार देखेंगे तो कुछ हेल्प हो जाएगा तो कुछ अच्छा होगा। तो इस वीडियो का मकसद बनाने का ये नहीं है कि स्कूल चालू कराने का, ये मकसद मेरा ब्लॉग्स है तो आप लोग सीरियस मत लीजिएगा। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं श्री बेटा जी से, अभी लॉकडाउन में तुम लोग क्या करते हैं, तुम लोग क्या करते हो लॉकडाउन में बोलो? गांव के ट्यूशन में पढ़ते हैं। हाँ, गांव के ट्यूशन में पढ़ता है। तू लोग क्या करता सब कोई? गांव के ट्यूशन में पढ़ते हैं। कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है बाबू? इसको ब्रदर। हाँ, तो गाइस आप लोग देख लिया मतलब देख लिया कि मतलब ये सब बच्चा मतलब बेचारा स्कूल बंद है अभी, लेकिन तो फिलहाल मेरे पास ही पढ़ रहा है। तो आप लोग जान सकते हैं मतलब अभी स्कूल बंद होने के कारण अभी हम भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम सोचे कि गांव के बच्चे तो आप लोग जानते हैं कि अगर पढ़ाई नहीं होगा तो सब कुछ भूल जाएगा, मतलब लगभग तो सबको ही भूल ही गया था। तो अगर हमने कोचिंग खोल दिया तो वो सब मतलब अभी रिकवर याद कर लिया। तो आप लोग जान सकते हैं मतलब
गांव के बच्चे का हालत और ऐसा। तो फ्रेंड्स आप लोग को देख लिए अगर, और कुछ आज तो हम लोग आज शनिवार है, तारीख कितना 12, आज 12 तारीख है जो कि आज शनिवार है। तो आज हम सिर्फ गाना ही करते हैं, गवाते हैं। तो चलो कुछ बच्चे से गाने सुनते हैं और आप लोग इस ब्लॉग को एंजॉय करें, और बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा बच्चा है और सब कोई एक एक करके गाना गाएगा और बहुत ही अच्छा अच्छा गाना गाएगा, आप लोग देख सकते हैं इधर। अगना जाना पास आ जाना, दरी मुल्लिका गतिन दो हो कमा, भागना जाना पास आ जाना, दरी मुल्लिका गतिन दो हो कमा, मने तिने मेन तिने नो कमान दुरी रोड आमा गिलांदा दिसे तमन गाती कुचड़े आड़ंग चमक चमक ताड़ंग मंतिर छापा मीना आमा गिलांदा दिसे तमन गाती कुचड़े आड़ंग चमक चमक ताड़ंग मंतिर छापा मीना दिन अयुब नींद सितागो चार हफ्ता रे मन दिन हफ्ता रे मन बोलो लो। आप सभी को जोहार, बोलो सबको जोहार। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सबसे ज्यादा शेयर करें, ठीक है।